अच्छा हरिया रोडवेज के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया और भाई आज है छोले भटूरे चूर चूर नान और कुलचों का दिन और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त हैवी ड्यूटी नाश्ता। सबसे पहले हम सराभा नगर में लुधियाना में और हम आपको दिखाने वाले यहाँ पे विजय नान। नान नहीं है भाई, यहाँ पे चूर चूर नान, छोले भटूरे और बहुत कुछ मिलता है, दिखाते हैं। विजय भैया नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल चाल है सर? बहुत ठीक है सर। बहुत तारीफ सुनिए आपकी, बहुत भीड़ लग रही है यहाँ पे, क्या खिला रहे हो? छोले भटूरे नान, छोले पनीर नान, मिक्स नान, आलू नान। अच्छा, आटा नान, मतलब तकरीबन सब कुछ ही है, कुछ छोड़ा नहीं आपने नाश्ते के टाइम पे? हाँ जी, चार छोले भी हैं। जी तो एक बार दिखाएंगे सारा सेटअप? हाँ जी, हाँ जी जी। अभी फिलहाल तो आप नान जो है वो भर रहे हैं और इधर देखो ये मसाला है, इसमें क्या क्या रहता है भैया? इसमें प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, सारा सामान मिक्स होता है और तंदूर के अंदर बढ़िया तरीके से जो है इनको पकाया जाता है। भाई साहब ये देसी घी है, मक्खन है ये? डालडा। अच्छा, ये डालडा है। जी जी। इधर तंदूर के अंदर से विजय भैया कुछ निकालने वाले, अभी डालने वाले निकालने वाले डालने वाले अच्छा अभी डालने वाले और इस तंदूर में है कुछ? वो खाली रहता है। अच्छा, वो खाली ही रहता है। हाँ जी, वो मतलब कई बार ऑर्डर आता है ना, इसलिए फिर जब कभी बड़ा ऑर्डर आता है तो उस टाइम पे लगाते हैं। और अभी फिलहाल कौन सा वाला नान लगा रहे हैं? ये आलू है सर। ये है जी आलू वाला नान और इसके अलावा अभी आपको चूर चूर नान, छोले भटूरे सब कुछ दिखाते हैं। भैया एक बार सब्जियां और छोले वो सब दिखाइए। ठीक है सर, दिखा देते हैं। कितने साल से लगा रहे हैं? 2005 से यहीं पे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, सराभा नगर में ना अगर आपको नाश्ता करना है या लंच करना है, कितने बजे तक रहते हैं भैया? 5 बजे तक। 5 बजे मतलब शाम तक रहते हैं जी, अगर जी। शाम का नाश्ता भी चाहिए आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा। बढ़िया, ये देखो एकदम जबरदस्त तरीके के नान जो है वो चिपका के लगा रहे हैं बढ़िया तरीके से। ये देखो ये धीमे आंच पे या तेज आंच पे? ये धीमे आंच पे। और ये अभी कवर कर दिया, बेक होने जाएंगे इसके अंदर कुलचे। भाई ये है यहाँ के स्पेशल छोले, अंदर पनीर भी डाल रखा है। जी सर जी। और इसमें क्या मसाले रहते हैं? इसमें अपने मसाला पीस कर डालते हैं। अच्छा, और लहसुन प्याज रहता है? सारा कुछ, लहसुन प्याज, तेल भी है? तेल डाल के बनाते हैं? नहीं, अपना फॉर्चून का रिफाइंड। अच्छा, फॉर्चून का रिफाइंड। एक बार दोबारा दिखाइए सर। ये देखो भाई, मुझे पहले फॉर्चूनर सुना, मैंने कहा फॉर्चूनर डालते हैं इसमें? हाँ, रिफाइंड। सही है भाई, एकदम जबरदस्त। और इसके अलावा मुझे लग रहा है तंदूर से नान निकलने वाले हैं और विजय भैया जो है हमें दिखाने वाले करारे बढ़िया नान। ये आ गए भाई बाहर। ओ भाई जबरदस्त रंग आया है इनपे। और ये सारे आलू वाले हैं? जी सर, ये सारे आलू वाले हैं। चूर चूर नान कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं? इसी में लगाएंगे ये, मतलब आलू प्याज मिक्स। ये तो स्टफिंग वाले हो गए ना भैया? हाँ, जो आलू अचारी आलू देते हैं। हाँ जी, हाँ जी है। वो दिखाइए, वो किधर है? अचारी आलू है। ये देखो भाई, ये है अचारी आलू, एकदम कमाल लग रहे हैं ये भी। और ये साथ में सलाद है। और अचार में क्या रहता है भैया? इसमें मसाले होते हैं सारे, ये अपना चटनी। अच्छा, ये चटनी है। चलिए एक प्लेट लगा के दिखाइए फिर समझ में आएगा। ये मसाले वाली मिर्च है, ये अपनी मिर्च बनाते हैं हम। अच्छा, मिर्च भी अपनी बनाते हैं? हाँ जी सर। अरे वाह भाई साहब, यहाँ पे मिर्चे भी खुद बना रहे हैं, ये कैसे? ये मसाला डाल के सारा सामान। अच्छा अच्छा, मुझे लगा खेती भी खुद करते हैं। बोल रहे वाले जी, ये भटूरे हैं? जी सर। अरे भाई, इनके पेड़ों में तो आपने कुछ मसाले भी डाल रखे हैं, क्या डाला है? कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और पीठी भी अंदर, कुछ स्टफिंग भी है? नहीं सर। अच्छा, सिंपल है। सिंपल है विदाउट स्टफिंग। और भाई भटूरा देखो, कोई मांग रहा था पनीर वाला बना देते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, पनीर वाला भी बन जाएगा, पर नॉर्मली आपके सिंपल रहते हैं? जी सर जी। बहुत बढ़िया। और एक चीज और बताओ कि खमीर करते हो इनको? खमीर सर अपना उसी टाइम ही ताजे। अच्छा, ताजा काम करते हैं। ताजा ही है? अच्छा, खमीर ये नहीं कि रात में जाग ला दिया सुबह बनाया वो। जी जी जी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक ही टाइम पे फ्रेश बनाते हैं। जी सर। भटूरे देखो भाई, एकदम जबरदस्त, ये फूल गए। यहाँ पे अगर आपको नाश्ता, लंच या इवनिंग स्नैक्स ये सब मिल जाएगा। भटूरे की प्लेट लगा रहे हैं, सबसे पहले तो भटूरे और सलाद आ गया, एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इसके साथ है आगे जी आलू, जो कि हम सबके फेवरेट है, और ये ऊपर से चटनी सलाद के ऊपर। और इधर ये मिर्ची जो ये खुद बनाते हैं। और भाई साहब खुशबूदार, एकदम बढ़िया फ्लेवरफुल छोले। विजय जी एक चीज बताइए, इसका रेट क्या है? 50 रुपए सर। 50 की प्लेट है? जी सर। और इसमें दो भटूरे हैं और छोले दोबारा ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। और भैया लोकेशन क्या है आपकी? ये सराभा नगर दुर्गा माता मंदिर से नाल, दुर्गा माता मंदिर के एकदम साथ में। और यहाँ पे 100% वेजिटेरियन है ना? जी जी सर। बहुत बढ़िया भैया, एक बार चूर चूर नान भी दिखाओ, असली मजा तो उसका है। मिक्स सामान डालते हैं चूर चूर नान में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या डाला है अभी? हरी मिर्च है जी, हमारा गोभी वोभी सारा मिक्स होता है, पनीर जी, सब चीज मिक्स रखते हैं। अच्छा, ये सब डाल के। और भाई इधर देखो, अभी ये पनीर का एक जो पैकेट है, फ्रेश पैकेट खोल रहे हैं, पनीर को काटो भाई साहब, क्या बात है, हाथ से उसी टाइम ऑर्डर कर देते हैं। वाह, 5 मिनट के अंदर अंदर।
अच्छा जी। ये नहीं कोई हाँ टाइम लगेगा या कुछ नहीं सर। अच्छा हाँ जी, जो मर्जी लगे उसी टाइम ऑर्डर, जो भी चाहिए आपको उसी टाइम ऑर्डर करो, उसी टाइम बन जाएगा भाई। और भी कुछ बना देते हो ना, कुछ स्पेशल बनाना हो, तंदूरी अपना भटूरा या कुछ? अपना भटूरा आटा नान भी लगा देते हैं। आटा नान भी लग जाएगा जी सर? जी सर। ओके, फिलहाल मैदे वाला लग रहा है चूर चूर नान, क्योंकि क्रंच दिखाना है आपको, बट यहाँ पे आपको भाई आटे वाला नान भी मिल जाएगा। स्टफिंग देखो, ये आलू की है और इसके अंदर यही वाली स्टफिंग है, और इसको यूज करके बढ़िया तरीके से एक स्टफिंग तैयार करेंगे। और ये क्या भैया, ब्रेड क्रम है? जी सर जी। ये ना ये पानी जो होता है ना, ये मतलब सारा खत्म हो जाता है अभी ना, ये बहुत रंगारंग लग रहा है। इसमें स्टफिंग में और क्या डालोगे? ये नमक है। अच्छा नमक है, ये देखो भाई ये नमक आ गया और स्टफिंग एकदम कमाल लग रही है। मुंह में पानी स्टफिंग देख के ही आ गया भाई। अभी तो इसको डो के अंदर जाना है, उसके बाद तंदूर के अंदर जाना है, उसके बाद प्लेट के अंदर जाना है, उसके बाद भैया किधर जाना है? प्लेट लगाएंगे ग्राहक के पास। जी सर। तो ये देखो ये पेड़ा, ये नॉर्मल पेड़ा है, सिंपल है ये, इसके अंदर सर हम वो लगाते हैं डालडा। अच्छा डालडा वाला? हाँ जी। दिखाइए एक बार। अच्छा पूरा आपने लेयरिंग करके रखी है? लेयरिंग। अरे वाह क्या बात है यार, यहाँ पे तो भाई अमृतसरी स्टाइल जैसे लेयरिंग कर रखी है इन्होंने। बीच में कस्तूरी मेथी भी डालते हैं। अच्छा पर आज भूल गए डालना। ऊपर से धनिया भी है? हाँ धनिया है। डालते डेली है। अच्छा पर कभी कभी दिमाग से निकल जाता है अकेले, है ना, इस करके। अच्छा अच्छा। तो ये देखो ये स्टफिंग डाली इस पेड़े के अंदर और इसको बढ़िया तरीके से गोल करके। विजय भैया आप कहाँ से? मैं हूँ यूपी सर। यूपी में कहाँ से? गोंडा जिला। गोंडा से? अरे वाह, गोंडा वाले लोग जो है ना वैसे ही कमाल होते हैं कि हाथ रहते में... इधर ही है। अच्छा शुरू से जी। अब तो इधर के ही हो गए मतलब। हाँ वैसे गोंडा के, गोंडा वाले जो लोग हैं ना उनके हाथ में एक शफा है, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, है कि नहीं? ज्यादा करके जो होटल में लोग हैं वो गोंडा से ही हैं। ये देखिए चूर चूर नान, ओ भाई ये तो जादू हो गया यार। हरिया धनिया एकदम से आ गया और ऊपर से साथ में डालडा लग गया, और जब ये तंदूर में जाएगा क्या ही मजा आएगा। ये एक गया तंदूर के अंदर, ये दूसरा वाला दिखाइए, अब मैं ध्यान से देखूंगा। विजय भैया ने उठाया पेड़ा, ये स्टफिंग। अच्छा स्टफिंग भी भर के है पूरी, ऐसा नहीं है? पूरा पूरा जी। अब देखना भाई इसको फ्लैट भी, और साथ में इसकी जो इसका जो मेकअप है वो भी करेंगे। भैया ट्राइसेप्स प्रेस कर रहे हैं साथ में, है ना भैया? जिम भी कर लेते हो यहीं पे? हाँ जी हाँ सारा। और ये देखो ये आ गया जी हरिया धनिया, कमाल है। हरिया धनिया डाल के, ये साथ में डालडा डाल के, और ये अब गया तंदूर के अंदर। पहले तो प्लेट को पॉलिश करके जी सर, उसके बाद ये आ गया जी सलाद। ये चटनी डाल दिया अभी, अमृतसरी वाली चटनी है, इमली वाली। हाँ जी हाँ जी, अरे वो वाली चटनी सर। क्या बात है, जब मैंने काम शुरू किया था इसी चटनी से किया था। मतलब चटनी और साथ में कुलचा देते थे, फिर धीरे धीरे छोले आ गए, आलू आ गए। हाँ जी हाँ। और भाई साहब ये देखो प्लेट में खुशबूदार फ्लेवरफुल छोले, फिर इसमें खड़े मसाले डाल रखे है ना जी सर, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझे लग रहा है जो यहाँ से गुजरता होगा ना, हाँ जी, वो मैं इसकी खुशबू सूंघ के आ जाता हूँ। वो रंग देखो क्या जबरदस्त रंग आया है, थोड़ा सा भैया रड़ गया ज्यादा, है ना, पर इसको आप उतार देंगे, है ना? हाँ, जो एक्स्ट्रा ये सारा साफ हो जाएगा। हाँ रड़ गया जो वो तो निकल जाएगा, बट लाल रंग एकदम कमाल का आ गया है। क्या बात है, साफ कर भी दिया भैया आपने? जी सर। अरे वाह, तो ये देखो ये मक्खन लगाया पहले, ये मक्खन से इसकी होगी बॉडी मसाज पूरी, है ना भैया? जी सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको चूर चूर करेंगे अभी। ओ भाई डबल अटैक, ये कर दी इसकी चूरी, क्या बात है जी जबर। और ये प्लेट कितने की है भैया? ये 80 रुपए। 80 रुपए की ये वाली है। और छोले भटूरे कितने के? छोले भटूरे 50 रुपए प्लेट है जी। ये वाले ये 80 रुपए प्लेट है, मिक्स नान जी। और जो चूर चूर है जी, और जो वैसे मिक्स नान है, पनीर नान 100 रुपए प्लेट है। अच्छा 60 रुपए का एक है जी, ये 50 रुपए का एक है। अच्छा 80 रुपए प्लेट है, 80 के दो है। हाँ ये भटूरे 30 रुपए प्लेट है, 50 रुपए प्लेट है, 30 रुपए का एक है। बहुत बढ़िया भाई, ये आके यहाँ पे ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार। ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो ये छोले देखो, ओहो हो हो भाई साहब, इसकी खुशबू काश मैं आप तक पहुंचा पाता, आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा। इतना जबरदस्त इसकी खुशबू है ना, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू है। और साथ में आलू, और इधर है जी ये अमृतसरी चटनी वाले प्याज। और भाई साहब इधर देखो मुँह दिखाई, ये शगुन डाल दो आप भाई लाइक करके। ये देखो ज़बरदस्त नान है, एक बढ़िया सी गर्मा गर्म सी बाइट जो है वो यहाँ से तोड़ते हैं और इसको डिप करते हैं इन छोलों में। एंड भाई हियर, आजा आजा आजा, पनीर को पता है कि मैं उसको खाऊंगा। हियर इज़ अ बाइट ऑफ द स्पेशल चूर चूर नान, लुधियाना में सराभा नगर में विजय भैया के पास। हियर गोज़।
सबसे प्यारी बात एक्चुअल में विजय भैया ने जो मसाले डाले हैं ना चोनों में, और भाई साहब जो प्याज की चटनी में जो खट्टापन है और जो जबरदस्त फ्लेवर है, कमाल है। चूर चूर नान के अंदर मिक्स वो वाली जो स्टफिंग डाली है उसने भी कमाल कर दिया, और जो ब्रेड क्रम्स का दरदरापन है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। यहाँ पे आके ट्राई करो, आप एक्चुअल में बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार, है ना भैया। भाई साहब जो बात छोले भटूरे, नान छोले, चूर चूर नान और भाई साहब कुलचों से शुरू हुई थी, वो बात अब बठिंडा पहुंच चुकी है। आपको अब मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस ढाबा, जहाँ की दाल, जहाँ का खाना, जहाँ का अचार, और भाई साहब जहाँ पे मोमोज इतने ज्यादा कमाल है, इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल के हैं कि भाई पूरा बठिंडा यहाँ पे लिटरली लाइन लगाता है और 24 घंटे ढाबा जो है खुला रहता है। ऐसा क्या कमाल है, आपको हैरी बाजी से मिलाते हैं। आपका नाम भी हैरी है? यस, मेरा नाम भी हैरी है। आपका पूरा नाम क्या है? हैरी सिंगला। हैरी सिंगला, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका भी थैंक यू, आप हमारे ढाबे पे आए। थैंक यू पाजी, वेलकम। हैरी पाजी, अपने ढाबे का नाम क्या है? हमारे ढाबे का नाम है श्री श्याम वैष्णो ढाबा। श्री श्याम वैष्णो ढाबा, एकदम पीक आवर में हम यहाँ पे घुस चुके हैं, और भाई साहब किचन जो है पूरी लाइवली फुल ऑफ एक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा मेन कोर्स। मेन कोर्स में जैसे हमारी पनीर की सब्जियां आ गई, दाल आ गई, और हमारे कहते हैं सीजनल सब्जियां आ गई। अलॉन्ग विद दैट वी प्रिपेयर लाइक राइस एंड ऑल आइटम्स, जो हमारे मेन कोर्स की आइटम्स है वो यहीं प्रिपेयर होती हैं। अच्छा, यस yes. तो सबसे ज्यादा जो फेमस है यहाँ की वो तो शायद दाल है ना, जो काली दाल आप बनाते हैं। जी, दाल मखनी है। अलॉन्ग विद दैट हमारी सीजनल वेजिटेबल्स भी ऑन डिमांड रहती है। इफ यू सी द स्विगी एंड जोमेटो, तो वहाँ पे यू कुड सी वो भी डिमांड में होती है। एक बार दिखाएंगे कुछ सब्जियां जो बन रखी हो या बनने वाली हो या बनाने वाले हो आप, या तड़का लगाने वाले हो। हमारी कहते कड़ी है। कड़ी तो देखो आपके अपने हरिया का पीछा छोड़ती नहीं है, एकदम कमाल, एकदम जबरदस्त, एकदम गाढ़ी मसाले वाली कड़ी है जी। अभी इसको तड़का लगेगा, इसमें घी वगैरह डालेंगे अलॉन्ग विद दैट, तो ये प्रॉपर तब शेप लेगी और इसकी जो प्रेजेंटेशन है तभी वो सही आएगी। अभी तो भाई साहब तड़का वड़का सब लग रहा है। और ये राजमा मसाला है, ये देखो भाई, ये राजमा मसाला है, पैन के अंदर आ रहे हैं, इसको भी तड़का लगाने वाले और कमाल लग रहे हैं। ये देखो भाई, एकदम जबरदस्त बढ़िया, ये जम्मू वाले राजमा है भाई साहब, देखने में तो ये जम्मू वाले लग रहे मुझे, और बहुत ही कमाल लग रहे हैं। चित्रा है, चित्रा राजमा है, बट रंगत देखो भाई साहब, एकदम जम्मू वाली रंगत आ रखी है भाई साहब। ये देखो ब्रोकली एंड ऑल दैट, इसमें सारी सब्जियां डालते हैं हम, जो हमारी मिक्स वेज है। अच्छा, इसमें भी यूज अ ब्रोकली आल्सो। अच्छा, मिक्स वेज क्या? गोभी हुई, ब्रोकली हुई, आलू है, और भी इसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल अब के टाइम मिलते हैं मंडी में से, वो कहते हैं हम सारी इसमें कहते हैं डालते हैं, और हम खुद सुबह मंडी से खुद जाके सारी सब्जियां लेकर आते हैं, जिससे क्वालिटी चेक हो सके। सच है ये, सच बात, आप हमारे साथ चलना सुबह। और ये काजू किस लिए रखे हैं? टाइम पास के लिए, खाने के लिए? अरे आप खा के देखो, ये वैसे किस लिए रखे हुए हैं? एक्चुअली हर सब्जी में डालते हैं, जैसे जो सब्जी बननी चाहिए हम ऑथेंटिकली वो सब्जी वैसे ही बनाते हैं। अच्छा, तीन तरीके से पनीर जो है, एक छोटे क्यूब्स है, एक बड़े क्यूब्स है, और एक तरफ इन्होंने इसको कद्दूकस करा हुआ है। आगे टूर तो दो, आगे तक अरे नहीं, ये हमारे नॉर्मल मसाले हैं, जैसे हमारे घर में सब्जियां बनती हैं वैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, कुछ सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपन है यहाँ पे। सब ओपन है यहाँ पे, सब्जियां फ्रेशली चॉप्ड करके रखते हैं, इतनी क्वांटिटी में खत्म होगी फिर चॉप करके फिर से रखेंगे। यू कुड सी द स्प्रिंग अनियंस, जैसे कोई सब्जी को चाइनीज फ्लेवर देना है तो उसमें चाइनीज ब्लेंड स्टार्ट होगा। और इधर काजू फिर से आ गए भाजी, ये काजू से इतना प्यार आपको है, किसको है? Actually, my father use these kind of goods in every सब्जी, हर सब्जी में मेरे फादर साहब ये यूज करवाते हैं, वो कहते हैं कि सब्जी को रॉयल टच मिलना चाहिए। इधर बताओ ये क्या है? ये अभी कढ़ाई पनीर बन रहा है। दिखाइए उस्ताद जी, कढ़ाई पनीर दिखाइए, हम भी थोड़ा खा रहे हैं। और इधर क्या है सर? ओए भाई, येलो दाल और कढ़ाई पनीर का कॉम्बिनेशन, इधर देखो थोड़ी लाली आ गई पनीर के ऊपर, और एकदम कमाल लग रहा है पनीर तो। बट इधर आ गया जी हरिया धनिया, और जिधर हरिया धनिया उधर आपका अपना हरिया, इधर पीछे देखो कुछ और सामान जो है वो डाल रखा है। और पाजी ओ भाई, ये हमारा मसाला पापड़ है। ये क्या है? ये मसाला पापड़ है भाई साहब। भाजी ये तो जैसे शाम को यूज करते हैं, आप दोपहर भी दे रहे हो? कस्टमर दोपहर को भी खाते हैं। आप बात है, ये शाम वाली आइटम भी दोपहर को मिल रही है। इट्स ऑल वेजिटेरियन। अच्छा, ऑल वेजिटेरियन। जी जी जी, जबरदस्त। और इधर देखो भाई, अमूल का मक्खन जो है वो रखा हुआ है। अजी और क्या दिखाने वाले हो भैया? आ जाओ, चार दिन इस टाइम जो सीजन में जो भी पिकल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, जैसे आंवला का अचार बनाया हुआ है भाई। मुझे लग रहा है सारी दुनिया के हैरियों को ना अचार बहुत पसंद है। ये हमारा गाजर का अचार है। ओ भाई, रंगत देखना जरा, ये गाजर ये हम डेली के डेली बनाते हैं। और अगर किसी कस्टमर ने अचार लेना हो तो हम क्या कहते हैं, वी हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट, उससे ज्यादा हम किसी को अचार नहीं देते। आमले का अचार बनाया जाए फिर क्या? हां जी, अगर मेरे जैसा कोई आ जाए और बोले तो आपको भी कम ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, बिकॉज ये हम खुद डेली बनाते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स वो
फालतू की चीजें कुछ नहीं डाली हुई। ये क्या भाजी? ये आमले का अचार बनाया हुआ है। इस टाइम आमला आ रहा है तो वो बना रहे हैं। और इधर ये मिर्च का अचार है भाई, मिर्च का अचार देखो, ये हमने खुद ही बनाया। ये भी कमाल लग रहा है। और भाजी ये तुमने हरी चटनी है। और भाजी एक चीज बताओ, ये आपने इतनी तिजोरी भर के ये सिरके वाला प्याज, ये आपको पसंद है कि कस्टमर्स को पसंद है? ये एक्चुअली कस्टमर्स को पसंद है, एज वी ऑल नो आजकल कस्टमर्स खाते हैं, तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंगली हमने बनाया हुआ। इसमें कोई कलरिंग कुछ नहीं है, इसमें नेचुरल जो चुकंदर होता है उसको काट के जो है वो उसमें डाल है। यार ये तो जन्नत है भाई साहब, ये तो मैं 5-6 ऐसे ही खा जाऊंगा, जब तक खाना आएगा तब तक मैं बहुत खा जाऊंगा। और भाजी तंदूर की जरूरत है, तंदूर भी है उधर। ये ट्रीटमेंट होने वाला है पंजाबी। ओ भाई ये देखो, मक्खन से प्यार करते हो तो पंजाब आ जाओ, दूध दही मक्खन पनीर घी सब भर भर के मिलेगा। वाह ये है जी बटर नान। और ओ इधर है भाई साहब तंदूर सेक्शन, ये देखो उस्ताद जी जो है वो लगे हुए हैं तंदूर के ऊपर अपना हाथ मारने और कवाली करने। सर कौन कौन सी ब्रेड्स मिल जाती है हमारे यहाँ? लच्छा परौंठा मिलता है, ब्रेड्स हमने मिस्सी प्याजी रोटी, तंदूरी प्याजी रोटी हमारे यहाँ स्पेशल है। तंदूरी प्याज और मिस्सी प्याज बहुत ज्यादा स्पेशल है इनका। और भाई साहब ये देखो उस्ताद जी जो है तंदूर के ऊपर बढ़िया कवाली कर रहे हैं और सीधा तंदूर के अंदर। एक टाइम पे कितनी रोटियां लग जाती हैं तंदूर में? कितनी लगती हैं बताओ भैया? एक तंदूरी रोटी 20 लग जाता होगा। 20 लगती हैं एक टाइम पे भाई साहब? एक बार में 20 लगती है तंदूर, तो ऐसा लग रहा है जैसे 200 लग जाती होंगी कम से कम, इतना बड़ा तंदूर है ना भैया। 3-4 तंदूर लगे हुए हैं हर तंदूर में स्पेसिफिक, यहाँ पे 3-4 तंदूर लगे हुए हैं, हर तंदूर में एक स्पेसिफिक आइटम बनती है। जैसे उस तंदूर में मिस्सी परौंठी लच्छा परौंठा बन रहा है। अच्छा, मिस्सी रोटी और लच्छा परौंठा में, सॉरी। और यहाँ पे जैसे सिर्फ तंदूरी रोटी के लिए ये तंदूर है, ये दोनों, क्योंकि वो फिर क्या कहते हैं सेके का और वो सारा एडजस्टमेंट होता है तो वो उधर शेखर भाई करते हैं सारा कुछ। जैसे है वहाँ पे क्या बात है हरी भाजी, आप वो कुछ डोसा दिखाने वाले थे? हाँ वो बाहर ये कहते हैं हमारे गोलगप्पे हैं यहाँ पे हम। अच्छा। यहाँ पे दही भल्ला चाट पापड़ी एंड ऑल डेट वो हम सब कुछ अपनी प्रमाइसिस में बनाते हैं। यहाँ पे दो तरह का आपको पानी मिलेगा। सुन के अच्छा लगता है बट देख के और अच्छा लगता है। शुरू करो, ये हमारा नमकीन पानी है। अच्छा, एंड इसमें बिल्कुल भी कोई फालतू के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं डेट एनहांस द टेस्ट, वो हमने ऐसा कुछ नहीं डाला। जो हमारे बेसिक से कहते टेस्ट एनहांसर होते हैं घर में जो होते हैं जी, वो डाले हुए हैं, जैसे हींग हुई जी, पुदीना हुआ एंड ऑल काइंड ऑफ मसाले। आप कहाँ से लाते हैं और कितने की है? जो हींग है वो स्पेशली जो अफगानिस्तान से आती है वही यूज करते हैं। इट कॉस्ट अराउंड लाइक 18,000 to 30,000 पर केजी। इंडियन रुपीज में अफगानी रुपीज में? अच्छा ये देखो इधर ये है जी खट्टा वाला पानी, ये मीठा पानी है। अच्छा इधर ये जी मीठा वाला पानी, ये इसमें हरी चटनी आ गई नॉर्मल जैसे होती है जो। भाई साहब ये है आपके अपने हरिया की हरी चटनी फेवरेट वाली। और इधर दही है, दही की स्पेशलिटी ये है इसमें पाइनएप्पल ब्लेंड है। ओ, तो इसमें नेचुरल दही को मीठा करने के लिए कुछ नहीं डाला हुआ। अच्छा, ना ही इसमें कोई क्रीम डाली है ना ही औरों की तरह इसमें पाउडर समथिंग डाला इसको थिक करने के लिए, इसमें पाइनएप्पल ब्लेंडेड है। इफ यू कुड टेस्ट दही तो आपको वो एसेंस पता लगेगा। पाइनएप्पल रायता है एक तरह से? अरे नहीं भाई साहब देखो इधर पाइनएप्पल ब्लेंड किया हुआ अंदर ही। वाह 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 वाह, इतना थिक इसको कहते हैं हैंग करके, इसको जो थिक किया है वो इसको हैंग करके किया है। अच्छा। इसमें कोई भी क्रीम पाउडर नेस्ले पाउडर वैसा कुछ नहीं डाला। अच्छा, कुछ भी नहीं, बिकॉज डायरी हमारी खुद की है जिसका सामान हम सिर्फ ढाबे के लिए ही यूज करते हैं। भाजी ये क्या कोफ्ते? ये भल्ला आ गया, ये हम चटनी में डिप करके रखते हैं। भाई साहब मुझे ना कश्मीरी वाजवान याद आ गया ये भल्ले देख के, इतने बड़े बड़े। ये देखो भाई भल्ले का साइज देख के आपको मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा, आपको ऊपर इधर लिंक मिलेगा, देखना आपको सेम एग्जैक्ट वही लुक आएगा। देन दीज आर द टॉपिंग्स। कौन सी टॉपिंग्स है सर? काजू जी, अगेन ग्रेप्स, अभी सीजनल फ्रेश स्ट्रॉबेरी आ रही है तो स्ट्रॉबेरी भी हम यूज करते हैं इन द दही। इवन यू कुड सी ओवर हियर जो ये सॉल्ट है हम सिर्फ पिंक सॉल्ट यूज करते हैं ढाबे पे। अच्छा, हिमालयन पिंक सॉल्ट? नो। ओके, क्या बात है। एक बार पनीर टिक्के की तो बात बता रहे थे, पनीर टिक्का इफ यू कुड सी, तो जो पनीर टिक्के की मैरिनेशन होती है केसर वाली जलेबी है, केसर एंड हम केसर और हनी यूज करते हैं व्हेन वी मेक दिस जलेबी एज अ मेन एंड बेस इंग्रेडिएंट्स इसमें जो होता है। क्या बात है भाई, आइल्स में कितने नंबर थे आपके? नहीं मैंने नहीं आइल्स किया, आई डोंट वांट टू गो कनाडा एंड ऑल दैट, आई वांट टू लिव हियर एंड सर्व माय कंट्री। क्या बात है, क्या बात है सर, भारत मेरी जान। और इधर देखो जलेबियां जबरदस्त तैयार हो रही है, एकदम पतली जलेबी है केसर और शहद वाली। और इधर है जी शीरा, ये इमरती है। इमरती भी है? ये इमरती है, ये दाल से बनती है। और दादी मूंग दाल की है ना? उरद की, माँ की दाल की। वाह यार आपने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, बहुत बढ़िया है यार। ये देखो इधर इमरती है। और पाजी कुछ मोमोज वगैरह भी आप बना रहे थे? यस पाजी एक मिनट, आप मिस कर गए टिक्का, पनीर टिक्का तो इधर है, सारे हैरी भुलक्कड़ होते हैं भाजी। ये हम इसके साथ ये सैलेड लेते हैं स्प्राउट्स का, ये लाल मोट है। ये किसके साथ है? ये पनीर टिक्का बन रहा है। ओ भाई, इसमें जो हमारी जो ये होती है जी
ये काजू का पेस्ट है। ओ, ये मैरिनेशन है। यस, यू कुड आप देख सकते हो कितना थिक है भाई साहब। पनीर टिक्का बनाने के लिए काजू का पेस्ट जो है वो यूज करें मैरिनेशन में। इसमें कोई दही क्रीम कुछ यूज नहीं होता। वी यूज अ क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ओवर हियर। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये सैलड्स हैं। आपने अंदर चटनी देखी होगी, उसका टेक्सचर अलग था, इसका टेक्सचर अलग गया। टिक्के के लिए अलग चटनी है जो होनी चाहिए। एंड ये सैलड देख सकते हो आप, इसमें पाइनएप्पल, एप्पल और सारे फ्रूट्स मिक्स हैं इसमें। बहुत कमाल पाजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्या? नहीं नहीं भैया, ये सैलड है, मिक्स सैलड है ये। स्प्राउट्स वाला सैलेड है ये भाजी। अब लुधियाना, ये लाभ मोट है। लुधियाना में बहुत मन लगेगा, हमारा भी आपका भी जरूर। आप कह रहे हो जरूर आएंगे। आ जाओ यार, ये तो खाना वहाँ मिलता ही नहीं ऐसा। ये पनीर टिक्का, इसमें बॉल पेपर्स एंड एवरीथिंग, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की वेजिटेबल्स डाली हुई है। यू कुड सी, आप पनीर की सॉफ्टनेस देखिए इसमें। ये देखो, ओ भाई पनीर तो हाथ लगाए से टूट रहा है भाजी, क्या बात है भाजी। थोड़ा पनीर टिक्के पे फोकस करते हैं, टिक्के दिखाओ। ये रहा हमारा पनीर टिक्का जी। ये अभी चाप, इसको भी फ्रेशली मैरिनेट किया है। अच्छा अच्छा, ये चाप है, इसको फ्रेशली मैरिनेट किया है। और इधर पनीर टिक्का है, और भाई साहब ये काजू वाला पनीर टिक्का है, काजू की मैरिनेशन में। यहाँ पे पाव भाजी बन रही है। अच्छा, पाव भाजी के साथ हम सिर्फ एक सिंगल, जो भी हमारे चाइनीज आइटम है जैसे मोमोज है, बर्गर है, और इफ वी आर सर्विंग द नूडल्स ऑल्सो, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप पे रखा हुआ है, ज्यादा उसकी वैरायटी नहीं रखी हुई। क्यों? Because we want to excel in that item. हम यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का बर्गर बना रहे हैं। कौन सा वाला? We are making noodles cheese burger. ओ भाई, noodles वाला cheese burger, पंजाब आते ही आपको ना noodles वाले burger मिल जाएंगे। और भाई साहब इसमें तो cheese भी डाल दिया इन्होंने, कमाल ही कर दिया, next level का काम हो गया। और इधर ये आगे जी noodles का पहाड़, और देसी blend। ये देखो भाई, क्या बात है, वाह। पाजी बर्गर कितने का ये वाला? 1960 रुपीज। 60 रुपए का बर्गर है, क्या बात है यार, जबरदस्त। और पाजी ये क्या बन रहा है इधर? यहाँ पे पाव भाजी बन रही है, ये भाजी अभी बन रही है। जी जी जी, कमाल है यार, जबरदस्त। सारी चीजें फ्रेश बनाते हैं, डेली बनाते हैं, थोड़ा बनाते हैं भी डेली लग जाए। अरे पाजी, बठिंडा में श्री श्याम ढाबा जो है, ये लोकेशन क्या है ये तो बताओ। तीन सिनेमा के सामने, जो हमारे यहाँ पे सबसे पुराने तीन सिनेमा है उनके सामने, और इट कुड बी लाइक सेट नियर मित्तल मॉल, जीटी रोड, गुरनियाना रोड। और टाइमिंग्स आपकी? टाइमिंग्स हमारी, हम सुबह 8:30 से लेके टिल 11:30 तक हमारा ये वर्किंग रहता है। अच्छा, और एक चीज बताओ कि मिनिमम कितने पैसे जेब में डाल के लाने चाहिए यहाँ पे खाना खाने के लिए? देखिए, यू कुड हैव डोसा ऑल्सो फॉर 120 रुपीज, एंड अगर आपने मेन कोर्स एंड अलॉन्ग विद डेट सब कुछ करना है तो आपका 200-300 में विद फॉर 2 पर्सन इट्स ओके। क्या बात है, और अगर उससे भी बढ़िया करना हो तो 60 रुपए में बर्गर भी तो आता है। यस, मोमोज ना, अभी हम ये आटा मोमोज हैं, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मोमोज, आटा मोमोज, मैदा मोमोज एंड केसर मोमोज। केसर मोमोज अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बात है भाई, ये होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट एंड ऑल दैट वी कुड डू ओवर हियर, हम करते रहते हैं। मैं कैलिफोर्निया, खास अमरीका। हाँ जी, खास। भाई साहब, दुनिया में जितने भी हैरी होते हैं ना, सब ढीठ होते हैं। मैंने बोला पाजी मेरा खाना खाने का मन है पंजाबी खाना, पाजी कहते नहीं आप मोमो ट्राई करो। तो ये वाला जो मोमो है ना, केसर वाला मोमो है, अभी हम ट्राई करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्वाद बताना कैसा। केसर मोमो के ऊपर इन्होंने एक मसाला डाला है जिसकी जो खुशबू है ना भाई साहब, एग्जैक्टली ऐसी है जैसे मैगी के मसाले की खुशबू होती है ना। शेर से भाई, ये बात करते करते थोड़ा ठंडा हो गया। भाई साहब, एकदम फ्रेश जूसी वेजिटेबल्स और एकदम जबरदस्त मसाले ऊपर से, मजा आ गया। पर भाजी खाना खिलाओ गया भाजी। आमतौर पे ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे एक चीज होती है मीठी, दो चीजें होती हैं, सौंफ होती है, गुड़ होता है। ये भाजी आपने यहाँ पे भी मेला लगा रखा है भैया। ये ढाबा हमने खोले ही कहते लोगों के लिए हुआ है। अच्छा, वी वॉन्ट टू सर्व देम बेस्ट, उनके एक एक रुपए का यू नो दैट वर्थ। वो कुछ भी खा गए, कुछ भी है, तो उनको पता लगे कि वो हमारे ढाबे पे आए हैं और उन्होंने पैसे पे किए हैं और उनको वो सर्विसेज मिली हैं। लॉलीपॉप, ये अजवाइन है, नमकीन अजवाइन है ये। और ये फुलियां, उसके बाद गुड़, गुड़ उसके बाद ये मिक्सचर है सौंफ का। ये तो बहुत सही है, आप ये देख सकते हो सौंफ, जो ये छोटी सौंफ है, मोटी सौंफ नहीं है। आप कहीं भी जाओगे आपको मोटी सौंफ मिलेगी। ये सौंफ का प्राइस उससे बहुत जी, हाजमे के लिए भी बेटर होती है। तो भाई साहब, ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा, इतना सारा। ये देखो, सबसे पहले तो इधर दाल मखनी है भाई, ये तो दाल मक्खन है, ये दाल मखनी कहाँ है? ओ भाई 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 भाई, मुंह में फुल ऑन पानी। और इधर है जी ये पनीर दो प्याजा, ये पनीर दो प्याजा है ना, ये पनीर लबाबदार दिया। ये है जी पनीर लबाबदार, पाइनएप्पल की स्टफिंग होती है इसके पनीर लबाबदार के अंदर, पाइनएप्पल। यस, विद द ब्लेंड ऑफ पाइनएप्पल। ये देखो, न्यू चीज़ें समझ में आ रही हैं, नई नई चीज़ें देखने में आ रही हैं। और भाई साहब, इसके अंदर पाइनएप्पल की स्टफिंग है, इधर ये रायता है, मिस्सी रोटी है, प्लेन रोटी है, एक और रोटी है, इसके साथ ये अचार है आमला का, और इधर ये गाजर का। और भाई साहब, इसको तो पहले ट्राई कर ही लेते हैं ना, इसको क्यों वेट कराना है भाई।
ये ना नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि ये जो गाजर का अचार मैंने पिछली बार खाया था ना, मेरा मन था लिटरली पाजी यार लुधियाना में खोल दो, एक तरफ अचार के लिए खोल दो यार। तो भाई साहब एक बाइट लेते हैं बढ़िया सी, ये जो पनीर है ना इसके साथ, एंड इसके साथ एक बढ़िया सी ये बाइट। श्योर इज भाई साहब हियर गोस। एक इलायची की ग्रेवी है और उसको इतना बढ़िया तरीके से मसालों में मिक्स किया हुआ है, और ये काजू मुगे थे ना भाई साहब, कमाल फ्लेवर्स हैं। और मैंने ये वीडियो पहले भी करी हुई है बट भाई आज मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको दोबारा से रेकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूर आओ इस ढाबे पे, प्लेन पंजाबी खाना खाओ सबसे पहली बार आके, उसके बाद अगर आपका मन करता है कुछ और खाने का, कुछ हैवी ड्यूटी खाने का, कुछ एक्सपेरिमेंटल खाने का, तो डोसास भी हैं, मोमोज भी हैं, उसके बाद जलेबियाँ भी हैं, यहाँ पर चाइनीज़ भी है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट भाई मेरी रिकमेंडेशन है पहले आके यहाँ पे पंजाबी खाना खाओ, देसी खाना खाओ। आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है,